नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर में बनने जा रहा 1000 बिस्तर के अस्पताल को लेकर अब राजनीतिक उठापटक तेज होती जा रही है। भाजपा शासनकाल में जहां इन अस्पताल के लिए भूमि पूजन हो चुका है, वहीं कांग्रेस की नई सरकार के गठन के बाद अस्पताल के दोबारा भूमिकरण का विरोध होना शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और सांसद अनुप मिश्रा ने इस बार विरोध का झंडा उठाया है और कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल का दोबारा भूमि पूजन हुआ तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जिस जगह का भूमि पूजन हो चुका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसके टेंडर हो गए, जिसके वर्क ऑर्डर शुरू हो गए और ठेकेदार ने फुटिंग लेवल का काम शुरू कर दिया, उसको तोड़ने के बाद क्या उस जगह का पुनः भूमि पूजन होना चाहिए? आदरणीय सिंधिया जी कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर वो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध उनको सहन करना होगा। मिश्रा ने यहां आरोप लगाया कि फुलवाक से ग्वालियर फोर्ट तक बनने वाले रोपवे के निर्माण में सिंधिया परिवार द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है, जिसके कारण रोपवे निर्माण में देरी हो रही है और इसके लिए पुरातत्व विभाग कांग्रेस सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से बार बार उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो उन्हीं लोगों ने किया। सिंधिया परिवार मनसा क्या लगती है आपको? मनसा ये लगती है कि वो नहीं चाहते कि रोपवे बने। ग्वालियर के निजी होटल में आयोजित हुई इस पत्रकार वार्ता के दौरान यहां महापौर विवेक सेजवलकर सहित तमाम अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। महापौर विवेक नारायण सेजवलकर द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क कार्यक्रम आज की चाय आपके साथ के तहत शनिवार को महापौर और उनकी टीम द्वारा वार्ड 35 में भ्रमण किया गया, जहां उन्होंने स्थानीय रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और समस्याओं के तत्काल निराकरण के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर MIC सदस्य धर्मेंद्र राणा, क्षेत्रीय पार्षद सपना सुजित नरवरिया सहित नगर निगम के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज वार्ड 25 में था आज की चाय आपके साथ कार्यक्रम। वहाँ पर विशेषकर लोचन नगर में मेरा जाना हुआ, वहाँ अभी नगर निगम ने सीवर और वाटर लाइन का पूरा काम वहाँ पर हुआ है, जहाँ पर सारा सीवेज सेप्टेज नाले में जाता था, पूरी गंदगी थी, वह सारा का सारा जो मेन ट्रंक बन रहा है उससे वह ज्वाइन हो गया। लोग बहुत वहाँ पर खुश हैं, सड़क का काम वहाँ जल्दी चालू हो जाएगा। इसके अलावा वार्ड में जो पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो वहाँ पर मुरार टंकी से पानी वहाँ पर उसमें आने वाला है और पूरा उसका जो DMA 3 DMA उसके बनेंगे वार्ड नंबर 25 में, उसके बारे में सारी जानकारी मैंने आज लोगों को दी है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में दोनों वार्डों में 25 नंबर वार्ड में पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी और गर्मियों में जो पानी की किल्लत हुआ करती थी सबको 13 का पानी हम उपलब्ध करा पाएंगे। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सौंचरैया फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता, अभिनेत्री सहित 15 लोगों को नोटिस जारी कर 5 मार्च तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिल्म के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर को आदेश दिया है कि फिल्म की असली CD कोर्ट में पेश की जाए, ताकि याचिकाकर्ता की आपत्तियों को पुष्ट करने के लिए जरूरत पड़ने पर उसे देखा जा सके। पूर्व विदस्यु मलखान सिंह व मान सिंह के परपोते जंडेल सिंह ने सोन चिड़िया फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की है। दोनों का तर्क है कि फिल्म में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई और जिस किताब से फिल्म की कहानी ली गई है उसके लेखक से फिल्म के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर ने इजाजत नहीं ली है। बता दें कि मलखान सिंह ने 1982 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उस वक्त की कहानी के आधार पर सोन चिड़िया फिल्म बनाई है। फिल्म में दस्यु मान सिंह की गैंग दिखाई गई है, लेकिन फिल्म में कहानी मलखान द स्टोरी ऑफ ए वेंडिट किंग किताब की बताई गई है। इसको लेकर पूर्व दस्यु मलखान सिंह व दस्यु मान सिंह के परपोते जंडेल सिंह ने आपत्ति की है और हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हमें कछु करो तो गोली मार दूंगी। कौन बिरादरी हो? ठाकुर। और जे? बहन है हमारी। गजराज चिकित्सा महाविद्यालय में इस साल से MBBS और PG स्टूडेंट के लिए एक्सपर्ट लेक्चर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत GRMC में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए हर महीने एक्सपर्ट के लेक्चर रहेंगे। इसमें वह मेडिकल फील्ड में होने वाले बदलाव के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बताएंगे।
यहां बता दें कि इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा MBBS के स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसकी वजह है कि निरंतर मेडिकल फील्ड में बदलाव हो रहा है। कई बार यह भी देखने को आता है कि कोई नई बीमारी जब आती है तो इसके बारे में जानकारी MBBS और PG स्टूडेंट्स को नहीं होती है। इस कारण यह स्टूडेंट्स न तो उपचार कर पाते हैं और न ही GH हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को सलाह दे पाते हैं। इसकी शुरुआत GRMC 7 मार्च से करने जा रहा है। यह प्रोग्राम 3 घंटे के रहेंगे। इसमें थ्योरी और PPT के माध्यम से एक्सपर्ट बताएंगे। समापन समारोह के एक दिन बाद शुक्रवार को ग्वालियर व्यापार मेले में दुकानदारों की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है, लेकिन मेले में 2000 से ज्यादा दुकानें फुटपाथ कारोबारी अभी मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश ने अपने प्रतिष्ठानों पर जनरेटर सेट लगाकर रोशनी की है। कारोबारियों के मुताबिक जगह खाली करने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है और मेला प्राधिकरण ने अगले 5 दिन में दुकानें खाली करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को ग्वालियर व्यापार मेले का समापन समारोह हो गया था और 28 फरवरी तक प्राधिकरण द्वारा मेला कारोबारियों को बिजली सप्लाई दी गई। मेले का समापन होने के बाद अब वहां सस्ता सामान मिलना शुरू हो गया है, विशेषकर जो कारोबारी बाहर से आए हैं और उनका माल बचा है तो वो सामान को नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचना शुरू कर चुके हैं ताकि उन्हें सामान वापस ले जाने के लिए किराया न भुगतना पड़े। वहीं इलेक्ट्रॉनिक लगेज फर्नीचर और दूसरे घरेलू सामान की दुकानों पर भी लोगों को कारोबारियों द्वारा रियायत दी जा रही है। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।